राजस्थान पत्रिका स्पेशल न्यूज। चिकित्सा विभाग में होगी 50,000 पदों पर भर्तियां। चिकित्सा विभाग की भर्ती सत्यापन के फेरे में सीभू के जरिए प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़ा है मामला। आचार संहिता हटने के बाद पूरी होगी भर्तियां 50,000 पदों पर। भास्कर न्यूज 20 मई। रीट में गड़बड़ी, लेवल 2 में सर्वाधिक 19 गर्ल्स ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए। फर्जीवाड़े का कोटा, फेक सर्टिफिकेट से जॉब में महिलाएं बराबर की हिस्सेदार, 29 को नोटिस। स्पोर्ट्स कमेटी से जांच करवाए तो फर्जीवाड़े की परत दर परत खुली। रीट शिक्षक भर्ती मामला, 48,000 पदों पर हुई थी रीट पिछली रीट, कहां कितने फर्जी सर्टिफिकेट लगे। यहां पर आप विद्यार्थियों की संख्या देख सकते हैं। थर्ड ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 पटवारी भर्ती, पशुधन सहायक भर्ती, फायरमैन। सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 20 मई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी, रीट, कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 20 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। भजन लाल शर्मा की बड़ी घोषणा, सरकार की कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का बड़ा बयान, 8,000 से ज्यादा पदों पर जारी होगी आचार संहिता के बाद विज्ञप्ति, अभ्यर्थना मिलेगी। नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का होगा सर्वांगीण विकास, भजन लाल शर्मा का बड़ा बयान, नवज्योति न्यूज। पेपर लीक जांच के लिए गठित एसआईटी के नतीजे आ रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जा रहे हैं। पेपर लीक मामलों की जांच के लिए हमने एसआईटी गठित की और उसके नतीजे आप सभी के सामने हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ा बयान, कर्मचारी चयन बोर्ड के अटके हुए परिणाम को लेकर भाजपा नेता उपेन्द्र यादव का बयान। भाजपा नेता उपेन्द्र यादव ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं के परिणाम की अनुमति के लिए पत्र राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कुछ दिन पहले भेज दिया था और उम्मीद है कि 1-2 दिन में केंद्र चुनाव आयोग से परीक्षाओं का परिणाम जारी करने की अनुमति मिल जाएगी। इस संबंध में आज अधिकारियों से बात हुई है। परीक्षार्थियों के इंतजार पर शीघ्र लगेगा मरहम, राजस्थान बोर्ड का परिणाम, 4.61 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म, 22 जून से पहले जारी होंगे भर्तियों के परिणाम। अभ्यर्थियों ने ली राहत की सांस, कौन कौन सी भर्तियों के परिणाम, बड़ी भर्तियां, सूचना सहायक, संगणक, सीएचओ, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील राजस्व लेखाकार, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके अलावा कुछ रीट के और वन रक्षा के परिणाम भी जारी होंगे। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर हालात खराब। कोटा में अगर बात की जाए तो कुल 1055 विद्यालय हैं, जिसमें अगर प्रधानाचार्य के पदों की बात करें तो यहां कुल 325 पद स्वीकृत, जिन पर 267 प्रधानाचार्य कार्यरत है और 58 पद खाली चल रहे हैं। उप प्रधानाचार्य के कुल 254 पद स्वीकृत, जिन केवल 15 उप प्रधानाचार्य कार्यरत है तो 239 पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड के कुल 1145 पद स्वीकृत, उन पर 862 शिक्षक ही कार्यरत है। करीब फर्स्ट ग्रेड के 283 पद स्कूल व्याख्याता के खाली है। सेकंड ग्रेड को में 2064 पद स्वीकृत है, उन पर 1636 सेकंड ग्रेड शिक्षक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और 428 पद सेकंड ग्रेड के खाली है। अगर बात करें थर्ड ग्रेड की लेवल की विद्यालय की जाए तो यहां लेवल 2 के कुल 2213 पद शिक्षकों के स्वीकृत है, जिन पर 1733 तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 2 के अध्यापक कार्यरत है और 480 पद खाली है। वही लेवल 1 की बात करें, 2769 पद शिक्षकों के स्वीकृत है, उन पर 2285 शिक्षक कार्यरत है, 484 पद खाली चल रहे हैं। तो इस तरह करीब करीब 1000 पद तो थर्ड ग्रेड के खाली है, सेकंड ग्रेड के 428 और 283 फर्स्ट ग्रेड के पद खाली है। ये सारे के सारे पद आने वाली नई भर्तियों में कुछ महीनों में भरेंगे, जैसे नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नई रीट में।
राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ ने सरकार से लगाई गुहार। राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का घोटाला सबके सामने, एसओजी ने पूरे सबूत आपकी सरकार को सौंप दिए हैं, भर्ती रद्द करें। 12वीं के तीनों संकाय का परीक्षा परिणाम आज, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम, राजस्थान बोर्ड की 12वीं का परिणाम आज जारी होगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का एक साथ जारी होगा, इसके बाद 10वीं का परिणाम और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रेट की तैयारी करेगा। 7 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियों पर आपत्ति दर्ज कराने का आज अंतिम दिन, आरपीएससी अजमेर। एपी लाइब्रेरियन पीटीआई भर्ती लोक प्रशासन सहित 3 पेपर हुए, संस्कृत में सबसे कम हाजिरी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। प्री डीएलएड परीक्षा जिस भाषा को लोक करेंगे उसी में प्रश्न पत्र, व्याख्याता वाणिज्य डीपीसी पर एक बार फिर लगी रीट, मिला स्टे। शिक्षा विभाग, सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पदों पर डीपीसी की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन वाणिज्य विषय की डीपीसी के लिए वरीयता सूची अभी तक जारी नहीं की है। ज्ञात होना चाहिए 10,000 पद पर डीपीसी होगी सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, इससे 10,000 पद फर्स्ट ग्रेड के 21,000 में से भर जाएंगे, बाकी पद सीधे भर्ती के लिए खाली रहेंगे। सेकेंड ग्रेड के 10,000 पद और खाली हो जाएंगे और पदों की संख्या सेकेंड ग्रेड के 40,000 के पार पहुँच जाएगी। सीबीएसई 10वीं के मार्क्स वेरिफिकेशन आवेदन आज से, आरआरबी आरपीएफ में भर्ती फीस आज रात तक जमा होगी। कॉलेज शिक्षक बनने के लिए 35% अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य, कॉलेज व्याख्याता भर्ती आरपीएससी अजमेर। राजस्थान विश्वविद्यालय व संकटक कॉलेजों में 30 यूनिट में 3,000 स्वयं सेवक सत्र 2024-25 में लागू होगा। अब यूजी पीजी में प्रवेश के समय एनएसएस सर्टिफिकेट का वेटेज आधे से लेकर 4% अंक तक मिलेंगे। नई शिक्षा नीति से शिक्षकों के पदों में कटौती की संभावना, 3 ग्रुप में लगेगी कक्षाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों में 1-2 के बच्चों को एसटीसी या बीएड की बजाय 12वीं पास अध्यापक पढ़ाएंगे। शिक्षक संगठनों ने जताई शिक्षकों की नियमित नियुक्तियां बंद होने की आशंका। पीटीटी प्रवेश परीक्षा के लिए जल्द तय होंगे सेंटर्स, समन्वयकों से मांगी सूची। सीबीएसई विकसित भारत दृष्टिकोण पर छात्रों से मांगी सुझाव। पीटीटी से पहले घोषित होंगे यूजी फाइनल के सभी रिजल्ट, एमजीएस विश्वविद्यालय बीकानेर। एनालिसिस, आरबीएसई 12वीं के रिजल्ट आज, 2022-23 के 2 सत्रों में 3 विषयों के परिणाम 92 से 96.53% तक रहे। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स संकायों में लड़कियों का दबदबा रहा, आज लड़कों पर नजर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, प्री डीएलएड परीक्षा जिस भाषा को लोग करेंगे उसी में मिलेगा प्रवेश। साला दर्पण का सर्वर डाउन, महात्मा गांधी स्कूलों का नामांकन रुका, 206 स्कूलों में 2508 आवेदन आए। सीबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई से, कोटा की 200 से ज्यादा बेटियों को मिले 13 लाख रुपए। शिक्षा विभाग ने जारी की कक्षा 9वीं की छात्राओं की पुनः भरण राशि, आरटी के तहत 8वीं पास कर 9 से 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बेटियां होगी लाभान्वित। आईटीआई कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ, अंतिम तिथि 10 जुलाई। पूर्व परीक्षा नियंत्रक को नोटिस, जांच कमेटी की गठित, प्रथम सेमेस्टर में 15% विद्यार्थी पास, डी वालों को फिर से देनी पड़ेगी परीक्षा। प्री डीएलएड परीक्षा 2024 आवेदन की संख्या पहुंची 1 लाख, कोटा। राजस्थान पत्रिका स्पेशल न्यूज, 1 जून के बाद जारी होंगे परिणाम, 19,000 पदों पर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार। इस सप्ताह मिल सकती है खुशखबरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड ने आचार संहिता के कारण एक बार फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी से परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है। मुख्य 7 भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 8,000 पदों पर निकलेगी भर्ती, कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का बयान, करीब 10 भर्तियों में आवेदन ले लिए गए हैं। इसके अलावा एनएचएम के 30 विभिन्न ट्रेनर्स की 8,000 पदों पर भी भर्तियां निकाली जाएगी, बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से भर्ती की अभ्यर्थना भी बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। आचार संहिता के बाद जारी होगी 8,200 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ।